हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने उन एंटीकॉगुलेंट्स को कवर किया था जो हम पैथोलॉजी लैब में किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। आज के लेक्चर में हम ब्लड बैंक में यूज होने वाले एंटीकॉगुलेंट्स को कवर करेंगे। तो ऐसा क्यों कि लैब में यूज होने वाले एंटीकॉगुलेंट्स अलग हैं और ब्लड बैंक में यूज होने वाले एंटीकॉगुलेंट्स अलग हैं? तो जो एंटीकॉगुलेंट्स हम लैब में यूज करते हैं किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो एंटीकॉगुलेंट्स ब्लड कॉम्पोनेंट को, ब्लड सेल्स को ओनली 6 to 8 hours तक ही प्रिजर्व करके रख सकता है। लेकिन जो एंटीकॉगुलेंट हम ब्लड बैंक में यूज करते हैं वो एंटीकॉगुलेंट ब्लड कॉम्पोनेंट्स को काफ़ी दिन तक प्रिजर्व करके रखता है। तो अब ज़रूरत क्या है ब्लड कॉम्पोनेंट को इतने दिन तक प्रिजर्व रखने की? तो जब भी कोई डोनर ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट करने आता है तो हम उसका ब्लड जो है वो ब्लड बैग में कलेक्ट करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी पेशेंट को या फिर किसी भी रेसिपिएंट को हम वो ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज कर सकें। लेकिन तब तक के लिए हमें वो ब्लड कॉम्पोनेंट को स्टोर करके रखना होता है, उस ब्लड कॉम्पोनेंट को प्रिजर्व करके रखना होता है। तो उसके लिए हमें ऐसे एंटीकॉगुलेंट की ज़रूरत होती है जो ब्लड कॉम्पोनेंट को काफ़ी दिन तक प्रिजर्व करके रख सके। तो वो एंटीकॉगुलेंट्स हैं मेनली ACD, CPD, CPDA, CPDA विद सेगम। तो इन एंटीकॉगुलेंट्स के साथ हम ब्लड कॉम्पोनेंट को काफ़ी दिन तक प्रिजर्व करके रखते हैं। ब्लड बैग्स में ही हम डोनर का जो ब्लड है वो कलेक्ट करते हैं और इन ब्लड बैग्स में ही एंटीकॉगुलेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ब्लड बैग्स होते हैं बेसिकली हाई मॉलिकुलर वेट के बने होते हैं, PVC के, पॉलीविलाइन क्लोराइड। और ये जो ब्लड बैग्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराते हैं ताकि ब्लड जो है वो कंटामिनेट ना हो, ब्लड का कोई स्प्लेज वगैरह ना हो इसीलिए। तो चलिए इन ब्लड बैग्स में यूज होने वाले एंटीकॉगुलेंट्स को हम एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट एंटीकॉगुलेंट है ACD, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ACD एंटीकॉगुलेंट करीब 1943 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये एंटीकॉगुलेंट जो है काफ़ी पुराना हो चुका है तो अब ये यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक बार कवर कर लेते हैं। तो एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज में जो एसिड है वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। वहीं अगर हम सिट्रेट की बात करें तो ये सोडियम सिट्रेट जो है ये एंटीकॉगुलेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। कैसे? ये जो सोडियम सिट्रेट है ये फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम से बाइंड कर लेता है। अब यहाँ पे जो कैल्शियम है वो आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो ये सोडियम सिट्रेट कैल्शियम को आयनाइज्ड फॉर्म से अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जब कैल्शियम आयनाइज्ड फॉर्म में ही अपना वर्क कर रहा था अच्छे से, अगर उसे अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो कैल्शियम अपना वर्क जो है वो ठीक से नहीं कर पाएगा, ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो क्लॉट होने से प्रिवेंट हो जाता है। तो सोडियम सिट्रेट जो है वो एक एंटीकॉगुलेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। वहीं जो डेक्सट्रोज है वो एक शुगर है और ये शुगर न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करेगा और ब्लड कॉम्पोनेंट को एनर्जी देगा। नेक्स्ट, अगर हम ACD एंटीकॉगुलेंट की लाइफ स्पेन की बात करें तो करीब 21 डेज होती है, यानी कि ACD एंटीकॉगुलेंट जो है वो ब्लड कॉम्पोनेंट को करीब 21 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें कि कितने वॉल्यूम में हम इस एंटीकॉगुलेंट का यूज़ करते हैं, तो 15 ml ACD में 100 ml ब्लड यूज़ करते हैं। तो ब्लड बैंक में जब डोनर ब्लड डोनेट करता है तो हम या तो उसका 350 ml ब्लड लेते हैं या तो 450 ml लेते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो अगर 15 ml ACD में 100 ml ब्लड यूज़ कर रहे थे तो 350 ml के ब्लड बैग में कितना ml एंटीकॉगुलेंट यूज़ करेंगे? 52.5 ml एंटीकॉगुलेंट। वहीं अगर हम 450 ml का ब्लड बैग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 67.5 ml ACD का यूज़ करेंगे। सेकेंड एंटीकॉगुलेंट है CPD, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। CPD एंटीकॉगुलेंट जो है वो करीब 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो CPD एंटीकॉगुलेंट में जो सेम यहाँ पे जो सोडियम सिट्रेट है वो कैल्शियम को बाइंड करके ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगा और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो है वो ऐड कर दिया गया है, फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है ये बफर की तरह एक्ट करेगा और ब्लड का जो pH है उसको गिरने से रोकेगा, ठीक है। ब्लड का नॉर्मल pH क्या होता है? 7.35 से 7.45 तक। तो ये फॉस्फेट इस pH को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेक्सट्रोज है वो सेम शुगर है, न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करेगा और ब्लड कंपोनेंट को एनर्जी देगा। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट कंपोनेंट ऐड हो जाने की वजह से CPD की जो लाइफ स्पेन है वो 7 days और बढ़ जाती है, यानी कि CPD की जो लाइफ स्पेन है वो 28 days हो जाती है, ठीक है।
यानी कि सीपीडी जो एंटीकॉगुलेंट है, ये ब्लड कंपोनेंट को 28 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, एसीडी जो था वो 21 डेज तक ही प्रिजर्व कर रहा था, लेकिन जो सीपीडी है वो 28 डेज तक प्रिजर्व कर रहा है, इसीलिए हमने एसीडी एंटीकॉगुलेंट को इरेडिकेट कर दिया और सीपीडी का यूज करने लगे। तो कितने वॉल्यूम में हम सीपीडी एंटीकॉगुलेंट को यूज़ करते हैं ब्लड के साथ, तो 100 ml ब्लड में हम 14 ml सीपीडी यूज़ करते हैं। तो 350 ml के ब्लड बैग में हम कितना एंटीकॉगुलेंट यूज़ करेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 49 ml सीपीडी एंटीकॉगुलेंट जो है यूज़ करेंगे, और 450 ml के ब्लड बैग में हम 63 ml सीपीडी यूज़ करेंगे। थर्ड एंटीकॉगुलेंट है CPDA, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनाइन। CPDA एंटीकॉगुलेंट करीब 1978 के करीब जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, और यहाँ पे CPDA में जो सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट, वो सेम कैल्शियम से बाइंड करके क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। फॉस्फेट जो है वो बफर की तरह एक्ट करता है और ब्लड के पीएच को गिरने से रोकता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे जो डेक्सट्रोज है वो सेम एक शुगर है और न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करके ब्लड कंपोनेंट को एनर्जी देता है। और यहाँ पे जो एक एडिनाइन है, जो एक नया कंपोनेंट ऐड कर दिया गया है, एडिनाइन स्टोर ब्लड में एटीपी को सिंथेसाइज करता है ताकि ब्लड कंपोनेंट को एनर्जी मिल सके। अब यहाँ पे एडिनाइन कंपोनेंट ऐड हो जाने की वजह से सीपीडी की जो लाइफ स्पेन है वो 7 डेज और इन्हांस हो गई, यानी कि सीपीडी की जो लाइफ स्पेन है वो 35 डेज हो गई। यानी सीपीडी एंटीकॉगुलेंट ब्लड कंपोनेंट्स को 35 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकता है। तो इसीलिए सीपीडी एंटीकॉगुलेंट को इरेडिकेट करके हमने सीपीडीए एंटीकॉगुलेंट का यूज़ करने लगे। अगर हम सीपीडीए एंटीकॉगुलेंट के वॉल्यूम की बात करें तो इसको भी हमें उतने ही वॉल्यूम में यूज़ करना है जितना हम सीपीडी एंटीकॉगुलेंट को यूज़ कर रहे थे। 350 ml के बैग में 49 ml सीपीडी यूज़ करेंगे और 450 ml के ब्लड बैग में हम 63 ml सीपीडीए यूज़ करेंगे। फोर्थ एंटीकॉगुलेंट है सीपीडीए विद सैगम। CPDA का जो यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन है वो सेम है, और CPDA को भी हमें उतने ही वॉल्यूम में यूज़ करना है जितना हम CPD में यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सैगम ऐड हो जाने की वजह से CPDA की जो लाइफ स्पेन है वो 7 डेज और इन्हांस हो जाती है, 42 डेज हो जाती है। यानी CPDA विद सैगम ब्लड कंपोनेंट्स को 42 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकता है। तो इसलिए हम ब्लड बैंक में मोस्ट कॉमनली जो है CPDA विद सैगम ही यूज़ करते हैं, लेकिन CPDA विद सैगम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम CPDA भी यूज़ करते हैं। तो हम 35 डेज वाला भी यूज़ करते हैं और 42 डेज वाला भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो सैगम है, सैगम की फुल फॉर्म है सॉर्बिडॉल एडिनाइन ग्लूकोज मैनिटोल। सैगम एक एडिटिव सॉल्यूशन है और इसको ऐड करने से आरबीसी की जो स्टोरेज है वो एक्सटेंड हो जाती है, और जो पैक्ड रेड सेल है उनकी जो विस्कोसिटी है, जो चिपचिपापन है, वो बहुत कम हो जाता है सैगम ऐड करने की वजह से, जिससे ट्रांसफ्यूजन जो है वो ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, CPDA और सैगम। तो CPDA एंटीकॉगुलेंट मदर बैग और प्राइमरी बैग में प्रेजेंट होगा, और 80 ml सैगम जो है वो सैटेलाइट बैग में प्रेजेंट होगा आरबीसी के लिए। यहाँ पे एक और एंटीकॉगुलेंट है हेपेरिन। हेपेरिन को भी हम ब्लड बैंक में यूज़ करते हैं। एक तो इसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, तो अगर उसके बॉडी में अच्छा खासा ब्लड है तो सर्जरी से पहले वो जो पेशेंट है वो अपना ब्लड डोनेट कर देता है, और सर्जरी के तुरंत बाद उसी का ब्लड उसी को दोबारा ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हम हेपेरिन का यूज़ करते हैं। सेकंड, हम न्यूनेट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हेपेरिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए अदर एंटीकॉगुलेंट काफ़ी टॉक्सिक होता है, क्योंकि उनका जो लीवर है वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो उन एंटीकॉगुलेंट को मेटाबोलाइज कर सके। तो इसीलिए हम न्यूनेट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम हेपेरिन का यूज़ करते हैं।